जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसके कई आयाम हैं। हालांकि इस शपथ पत्र में मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि 2021 में जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने का उसका कोई इरादा नहीं है और यह फैसला उसने बहुत सोच समझ कर विवेकपूर्ण ढंग से किया है, क्योंकि भारत जैसे बहुजातीय व विविधता से भरे समाज में इस प्रकार की जनगणना कराया जाना उस संवैधानिक स्थापना के विरुद्ध होगा जो स्वतंत्र भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य लेकर चली है। इसके साथ ही इस प्रकार की जनगणना कराए जाने में अनेकानेक ऐसी व्यवहारिक समस्याएं भी हैं जिनसे जनगणना कराए जाने का उद्देश्य ही पटरी से उतर सकता है। केंद्र सरकार के ये तर्क निरर्थक नहीं हैं, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। अतः इन तर्कों को कोई भी जनमूलक समतावादी समाज का समर्थक व्यक्ति सिरे से खारिज नहीं कर सकता है, खासकर वे राजनीतिक दल जो जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहला मूल प्रश्न यह है कि पिछड़ी जातियों की गणना प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से करता है। संसद के वर्षाकालीन सत्र में ही सरकार ने इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया है जिसे विपक्ष की पूरी सहमति मिली थी। हालांकि 2018 से पहले भी यही स्थिति थी, मगर इस वर्ष मोदी सरकार ने संशोधन करके राष्ट्रपति को पिछड़ी जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार दे दिया था जिसे पिछले सत्र में संविधान संशोधन करके पहले जैसी स्थिति में कर दिया गया। राज्यों के पास पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने का जो अधिकार है उसमें प्रादेशिक सरकारें इस वर्ग की जातियों का निर्धारण अपने अपने स्थापित पैमानों पर करेंगी, जिसकी वजह से हर राज्य का पिछड़ी जातियों का पैमाना अलग होगा। इसके साथ ही इन जातियों में भी उपजातियां और फिर उसके बाद गोत्र का दायरा इनकी संख्या को अनगिनत बना डालेगा, जिसकी गणना करना जनगणना करने वाले संगणक को ही चकरा देगा। फिलहाल केवल अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों की संख्या ही जनगणना में ली जाती है और शेष जनता की गिनती धर्म के आधार पर होती है। सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हैसियत भी इस जनगणना में दर्ज की जाती है। यदि हम पिछड़े वर्ग की जातियों की गणना भी शुरू कर देंगे तो ऐसी दल दल में फंस जाएंगे जिसमें भारत का हर नागरिक अपनी पहली पहचान जाति को ही बनाना पसंद करेगा, जबकि बाबा साहेब अंबेडकर स्वतंत्र भारत की सामाजिक एकता व न्याय के लिए जाति विहीन समाज की स्थापना को बहुत ज़रूरी मानते थे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1951 में जो पहली जनगणना कराई गई थी उसमें जातिगत जनगणना की नीतिगत तौर पर विदाई कर दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह फैसला बहुत सोच समझकर दूरदर्शिता दिखाते हुए लिया था और उस समय बाबा साहेब अंबेडकर भी नेहरू सरकार में कानून मंत्री थे। हालांकि इसी वर्ष उन्होंने हिंदू कोड बिल के अटक जाने के मुद्दे पर नेहरू सरकार से इस्तीफा दे दिया था, परंतु दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से भारत के सामाजिक समीकरणों में परिवर्तन आया जो पिछड़े वर्षों वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले से ज़मीन पर उतरा। इस फैसले ने भारत में
जातिगत आधार को मजबूत करने का काम किया। सामाजिक न्याय के नाम पर यह कार्य जिस तरह किया गया उससे ग्रामीण खेतिहर जातियों का ही आपस में ही बंटवारा हो गया। 60 के दशक में प्रख्यात समाजवादी चिंतक व नेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि जाति तोड़ो दाम बांधो, मगर जिस सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में जातिगत आधार पर जनगणना न कराए जाने का शपथ पत्र दिया गया है, उसी मंत्रालय का जिम्मा भारत में जाति कुप्रथा का उन्मूलन भी है। प्रत्येक वर्ष अंतरजातीय विवाहों के लिए देश के हर प्रदेश को बजट दिया जाता है, मगर इसमें से कितना खर्च हो पाता है? बल्कि इसके विपरीत देश के हर कोने से जाति सीमा तोड़कर विवाह करने वाले युवा दंपतियों की ऑनर किलिंग की खबरें हमारी संवेदना को झिंझोड़ जाती है और हम जाति का पिटारा लेकर बैठे रहते हैं। जो लोग तर्क देते हैं कि अंग्रेज़ जाति मूलक जनगणना कराया करते थे, वे भूल जाते हैं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में अंग्रेज़ों ने भारत को विभिन्न जातीय नस्लों व समुदायों और जातियों का एक भौगोलिक क्षेत्र माना था, जिसे 1935 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान का प्रारूप लिखते हुए विभिन्न अंचलों व प्रदेशों की विविध संस्कृति का एक संघ राज्य सिद्ध किया। और अंग्रेज़ों ने 1935 में जब भारत सरकार कानून लागू किया तो मोतीलाल जी के सिद्धांत को ही माना, मगर अंग्रेज़ इस कदर छल कपट करते थे कि उन्होंने 1947 में भारत के दो टुकड़े मजहब के आधार पर कर डाले, जबकि 1935 के कानून के अनुसार भारत का विभाजन नहीं हो सकता था। इसी बीच 1946 में अंग्रेज़ों ने भारत की प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव भी कराए थे, मगर 1946 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वॉवेल ने कह दिया कि ये चुनाव 1935 के कानून के तहत नहीं बल्कि 1919 के कानून के तहत कराए गए हैं, जिसमें भारत विभिन्न नस्लों व जातियों का एक समुच्चय था। अतः जातिगत जनगणना के भयंकर परिणामों को हमें पहचानना चाहिए। मोदी सरकार का केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए।